दोस्तों अगर आप विराट शर्मा को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के चौथे टेस्ट मुकाबले का पांचवा दिन शुरू हो चुका है। दोस्तों पांचवें दिन ऑस्ट्रेलिया की टीम बल्लेबाजी करने आई भारतीय टीम के 88 रन के ट्रायल को पूरा कर लीड देने के लिए। दिन के शुरुआत में कुलेमैन और तरावी साइड मैदान पर बल्लेबाजी करने आए। दोस्तों दिन की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया की खराब रही। कुलेमैन इस तरीके से LBW आउट होकर रविचंद्रन अश्विन के हाथों, क्योंकि एक बॉलर थे इन्होंने रिव्यू नहीं लिया। 6 रन बनाकर कुलेमैन आउट हुए। दोस्तों उनके बाद बल्लेबाजी करने आए लेम्बोस शेंग और उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे थे दूसरे सलामी बल्लेबाज तरावी साइड। दोस्तों दोनों के बीच में एक बड़ी साझेदारी हो गई। देखते ही देखते अर्धशतक लगाकर शतक पे नजरे गड़ाए बैठे थे तरावी साइड, तभी वो भी इस तरीके से अक्षर पटेल की अंदर आती हुई गेंद पर बोल्ड होकर रह गए। 90 रन बनाकर एक शानदार पारी खेलकर तरावी साइड अक्षर पटेल के हाथों बोल्ड हुए। दोस्तों उनके बाद आए स्टीवन स्मिथ। दोस्तों ये भी टेस्ट के माहिर खिलाड़ी हैं। दोस्तों आते इन्होंने भी लेम्बोस शेंग के साथ बड़ी पार्टनरशिप की और इन्होंने भी तूफानी साथ दिया मार्कस लेम्बोस शेंग का। दोस्तों देखते ही देखते लेम्बोस शेंग ने भी तूफानी बल्लेबाजी की और इस तूफानी मुकाबले में अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया। दोस्तों सिर्फ 2 विकेट खोकर अभी भारतीय टीम के सामने ऑस्ट्रेलिया 175 रन से ज्यादा रन बना चुकी है और 84 रन की लीड दे चुकी है। दोस्तों यहां से मुकाबला आगे नहीं बढ़ेगा और ये मुकाबला ड्रॉ हो जाएगा। दोस्तों भारतीय टीम की गेंदबाजी को 10 में से कितना नंबर देंगे?